यकीनन सबसे पहला तो आपका सवाल यही होता होगा कि हमें रोज़ क्यों बुला लेती हैं। तो मेरी खुशकिस्मती यह है कि मेरी चीफ मिनिस्टर काम इतना करती हैं और पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आवाम की वेलफेयर के लिए स्टेप्स मरीम नवाज साहबा उठा रही हैं, वो आप तक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए मुझे आपको बार बार जो है वो तकलीफ़ देनी पड़ती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ भी मेरी चीफ मिनिस्टर को हासिल है कि कोई छुट्टी का दिन है, कोई त्यौहार है, कुछ भी है, उसके ऊपर वो अपनी टीम के साथ आपको जो है वो काम करती हुई आम आदमी के लिए जो है वो आसानियां पैदा करती हुई नज़र आती हैं। पहले जिस तरह से कूड़े के हवाले से एक अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड कायम किया गया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में, उसी तरह एक और नया रिकॉर्ड जो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी ने सुना ना देखा, वो था किरायों में कमी, ना सिर्फ कमी बल्कि ज़ायद किराए लोगों को वापस करने। और ये भी रिकॉर्ड जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, यकीनन इस बारे में ये आपको ब्रीफ़ करेंगे, लेकिन ये भी बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड और अनयूजुअल था पंजाब के शहरियों के लिए जब उनको पैसे वापस किए गए कि उनको पैसे वापस क्यों किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब चीफ मिनिस्टर काम कर रही होती हैं तो उनकी पूरी जो टीम है वो भी फील्ड में होती है, और ये बात रिजल्ट्स जो है वो भी आप देख रहे हैं हर शोबा ज़िंदगी के अंदर, महंगाई में, रोटी में जो है वो कमी के बात कर ली जाए, उसके बाद कल एक माइलस्टोन अचीव हुआ है जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें 1 मिलियन पेशेंट्स जो हैं उनको जो है वो ट्रीट और अद्वियात दी गई हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसका सेहरा भी मेरी चीफ मिनिस्टर के सर जाता है कि जो कमिटमेंट के साथ वो एक इनिशिएटिव शुरू करती है। मैं पहले दिन से आपसे कह रही हूँ कि जो इनिशिएटिव वो शुरू करती हैं वो कागज़ों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होता, वो बाकायदा ग्राउंड पर होता हुआ नज़र आता है। और कल 1 मिलियन जो पेशेंट्स हैं वो फील्ड हॉस्पिटल्स में 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो ट्रीट किए गए हैं, उनको जो है अद्वियात दी गई हैं। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक भी उसमें आपका साथ देते हैं। और ये भी जो आपको देखने और सुनने को मिला, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी कि चीफ मिनिस्टर साहबा को अभी वज़ीर आला बने हुए 100 दिन से कुछ दिन ऊपर हुए हैं, पंजाब के मजमूई कर्ज़ों में 23 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी हुई है। और वो थे बहुत सारे लोग जो एक तरफ जो है वो कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी ले लूंगा, लेकिन मैं IMF पर नहीं जाऊंगा, दे के भी गए, हमें कर्ज़ों में जा के भी गए। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ इसके हवाले से शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब के मजमूई कर्ज़ों में 23 अरब रुपये की कमी हुई है। और वज़ीर आला बनने से पहले, मरीम नवाज़ साहिबा के वज़ीर आला बनने से पहले 1708 अरब रुपये का मकरूज़ था पंजाब, 1708 अरब रुपये का मकरूज़ था। और अब पंजाब का कर्ज़ा जो है वो 1685 1685 अरब जो है वो रह गया है। इंशाल्लाह ताला इसमें भी बहुत तेज़ी से आप कमी देखेंगे। 2015-16 में जब शहबाज़ शरीफ साहब खादमे आला थे उस वक़्त जो है पंजाब के ज़िम्मे सिर्फ 458 अरब रुपये कर्ज़ा था, सिर्फ 458 अरब रुपये कर्ज़ा शहबाज़ साहब दे के गए थे। उसके बाद तब्दीली और नए पाकिस्तान को जो घुन लगा इस पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब को, और एक जो लग ट्रेन हो रहे थे शहबाज़ शरीफ बन रहे थे, उन्होंने जो है वो जाते जाते पंजाब को 1707 अरब रुपए का कर्ज़ा जो है वो मौसूफ दे के गए। लेकिन बंदा पूछे कि वो गया गया कहाँ, अंडे मुर्गे मुर्गियाँ कट्टे बच्चों के अंदर तो 1705 अरब लगता नहीं ना जी, लेकिन वो कहाँ गया वो आपको पता है, वो 5 का जो गैंग था वो गैंग जो है वो किस तरह से पंजाब को लूट रहा था और पंजाब के वसाइल के ऊपर जो है वो चंद लोगों का कब्ज़ा था। और इसके लिए ये एक इतनी बड़ी दास्तान है कि इसके ऊपर अलहदा से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे खुशी ये होती है कि जब मैं कोई चीज़ CM का इनिशिएटिव बताती हूँ तो मुझे ये साथ कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, और ये रिकॉर्ड है जो मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला जो बनाते चले जा रही हैं। उसके अंदर अब यह है कि 1954 से आज तक गंदम की मद में जो है वो कर्ज़ा भी लिया जाता रहा, साथ साथ उसका सूद भी जो है वो हुकूमत को अदा करना पड़ता था और ये अरबों रुपये में बनता था। इस दफ़ा पहली दफ़ा 1954 के बाद इस बजट के बाद पंजाब का कर्ज़ा गंदम की मद में ज़ीरो हो जाएगा, पंजाब के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। जो लायबिलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत पे करने जा रही है, और कोई लायबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी पंजाब के ऊपर। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फिर से क्रेडिट है मेरी चीफ मिनिस्टर का। और पंजाब ने हमेशा अपना रोल प्ले किया है बड़ा भाई होने का भी, हमने हर सूबे के साथ जो है वो कोई मुश्किल है, कोई अच्छा वक्त है, हम इकट्ठे गुजारने पे बिलीव करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि
अभी भी मुल्क के अंदर नफरत की, इंतशार की जो सियासत है उसको हवा दी जाती है। अब जो सवात के अंदर वाकया हुआ है, यकीन मानिए उस पर दिल बहुत तकलीफ़ में है। और ये नहीं है कि उसमें कोई पंजाबी शहरी था, पंजाबी पख्तून की बात नहीं है, बात यह है कि अगर सरगोधा के अंदर पुलिस वाले जो हैं वो कोई ना खुशगवार वाकया होने से रोक सकते हैं, अगर एसपी शहर बानो एक खातून को रेस्क्यू कर सकती है, तो इस शख्स के लिए भी, इस शख्स के लिए भी, बल्कि जो है वो थाना छोड़ के भाग गए सवात की पुलिस, और ये नाखुशगवार वाकया हुआ, इसके ऊपर जो है वो जितनी भी तकलीफ़ का इजहार किया जाए कम है, और ईद के दिनों में ये होना यकीनन बहुत तकलीफ दे है। दूसरी तरफ जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने कल सैनिटरी वर्कर्स को बुलाया हुआ था, वो सैनिटरी वर्कर्स जिनको पास से गुजरने भी शायद को नहीं देता इज्जत और एहतराम के साथ, उस सैनिटरी वर्कर्स वो उन तमाम कुर्सियों पर बैठी जहाँ मेयर बिलाल बैठते हैं, वो सैनिटरी वर्कर्स को उतनी ही इज्जत मिली चूँकि वो काम करके आए थे, चूँकि उन्होंने डिलीवर किया था। और शरीफ फैमिली के अंदर मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में जो जितना काम करता है उसको उतनी इज्जत मिलती है, उसको इतना प्यार, उतनी तहसीन मिलती है। और ये कल सैनिटरी वर्कर्स, यकीन मानिए जब मैं वो निकल रहे थे तो दो तीन खवातीन जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ खड़ी थी उनकी आंखों में आंसू थे, उन्हें कहा सानू छाड़े नाल तो कोई सलाम दुआ नहीं लैंदा, और लेकिन ये उन खिदमात का जो है वो एतराफ़ करना हर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मतलब ये भी सुनने को मिला कि जी पंजाब के पास जो है अफसरान ज़्यादा अच्छे हैं, सारे मुल्क में एक ही तरह के अफसरान हैं, और अफसरान आपको पता है शफल होते रहते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे, दूसरे सूबे से तीसरे सूबे। फ़र्क होता है लीडरशिप का, फ़र्क होता है उस विजन का जो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने अपने सूबे को देती है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज भी ईद के चार पाँच दिन गुजरने के बाद भी मुख्तलिफ सूबों में आज भी आलाइशें सड़कों पर पड़ी हैं और लोग जो है वहाँ पर वावेला कर रहे हैं।